बैक टू द न्यू वीडियो। और गाइस तुम्हारे भाई का भाई बेस खराब हो चुका है, तुम लोगों को एक बैड न्यूज देने वाला हूँ। मेरा सर्वर क्रैश हो गया था जिससे गाइस तुम्हारे भाई का बेस पूरा का पूरा खराब हो चुका है। तो भाई ये रोने वाली बात नहीं है, बट इसमें मेरा दिल इतना गंदा दुखाना। गाइस तुम्हारे भाई ने लिटरली अनुबिस को पकड़ लिया था, वो भी दो दो बार। ब्रो क्या बोलूं यार, बट अभी तुम्हारा भाई ने पूरी रात जाग के पूरा दिन जाग के कुछ ऐसे टाइप का बेस तैयार किया है, बट ये घर अभी ठीक से बना नहीं है, तो उसका भी बनाएंगे साथ में। गाइस आप लोगों को दिखा देता हूं, मैंने इन सब पोकेमोन्स को दोबारा से पकड़ा है, बट भाई जब मेरे हाथ से अनुबिस गया ना, लिटरली मेरे यहाँ से नहीं सब जगह से खून बहने लगा था भाई। तो आज तुम्हारे भाई का जो मेन टारगेट है ना, आज गाइस हम लोग पकड़ने वाले हैं जोरमोन टाइड को। और जोरमोन टाइड को पकड़ने के लिए ना हम लोगों ने ना कुछ प्लान्स बनाए हैं। प्लान्स गाइस आप लोगों को बता देता हूँ। प्लान्स गाइस हमारा ये है कि हम लोग ना पहले कुछ सिंपल पोकेमोन्स को पकड़ेंगे एंड उसके बाद गाइस हम लोग जोरमोन टाइड को पकड़ने वाले हैं। ओके, और पहले हम लोग किसी एक पोकेमोन को पकड़ेंगे आसपास में से, गाइस हम थोड़े पावरफुल हो जाए, एंड उसके बाद हमारा जो मेन टारगेट रहेगा जोरमोन टाइड को पकड़ने का। लिटरली ब्रो वो इतना पावरफुल पोकेमोन है ना ब्रो, उसने भाई धज्जियां उड़ा दी थी एक बार तो भाई मेरी भी, मतलब मेरी तो काफी बार उड़ाया धज्जियां, बट आज तुम्हारा भाई जोरमोन टाइड को पकड़ने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलते हैं भाई, तुम्हारा भाई जोरमोन टाइड को पकड़ने के लिए मैं अपने एक दोस्त को भी साथ में लेके जाऊंगा जिसका नाम है गाइस कलाम, और आज हम दोनों के दोनों जाने वाले हैं जोरमोन टाइड को पकड़ने के लिए। एक्चुअल में वो एक बहुत तगड़ा पोकेमोन है, वाटर टाइप पोकेमोन है। एंड गाइस कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि भाई ब्रूसी की एंड पैंकिंग की प्रीत कराओ तो एनुबिस का जन्म होगा, तो गाइस हम एनुबिस को पैदा करें या एनुबिस को पकड़े, आप लोग बताना भाई, दोनों में से एक चीज होगी, आप लोग बताओ एनुबिस को पकड़ना है या क्या करना है, ब्रीड से उसको पैदा करना है, तो आप लोगों के हाथ में। फिलहाल में हम लोग भाई सबसे पहले आसपास का कोई पोकेमोन पकड़ते हैं। लाइक यहाँ पे आसपास के हमने बहुत सारे पकड़ लिए, बट मैंने जोरमोन टाइड को भी यहाँ पे देख लिया था, ये बंदा जोरमोन टाइड है, बट हम लोग ना आसपास के ना थोड़े बहुत पोकेमोन पकड़ेंगे। लाइक मेरे को इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन पकड़ने हैं, एंड गाइस थोड़े बहुत और पोकेमोन पकड़ने के बाद हम लोग देखेंगे भाई हमारी कितनी ज्यादा पावर हुई है, क्या हम लिटरली जोरमोन टाइड को मार पाएंगे। So guys, अभी कलाम भाई आ चुके हैं, और मेरा और कलाम का आज का जो प्लान है ना, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोराइज को पकड़ेंगे क्योंकि हमारा लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, तो ये रहा मेमोराइज। सबसे पहले हम लोग मेमोराइज को मारेंगे, एंड उसके बाद हम लोग थोड़ी और पावर बढ़ाएंगे, एक दो पोकेमोन को और पकड़ेंगे, एंड देन हम लोग पकड़ेंगे जोरमोन टाइड को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेमोराइज को पकड़ने चलते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट हो रहा हूँ, और अभी यहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे गाइस मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ इसको मारने के लिए। वैसे इसको मारना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बट हम लोग ने एक ट्रिक बनाएंगे इसको मारने के लिए। सो गाइस फाइनली कलाम भाई भी आ चुके इधर, और अभी हम लोग इधर लगाने वाले हैं अपना बेस, और इधर भाई हम लोग इसको पकड़ने वाले हैं, ठीक है। ओके गाइस इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आइए, बेस वाला सीन ना बहुत फनी होने वाला है, चल चल जल्दी बनाते हैं इसको मिलके। आना यार, पता है गाइस सबका सपना होता है, और मेमोरीज हम लोग ऐसे पकड़ने वाले हैं ना जो हंसी आ जाएगा देख के कसम से। तो गाइस अभी हम मेमोरीज को पकड़ने के लिए ना, कलाम अपने सबके सब बेस्ट पोकेमोन उतार दे इधर ब्रो। एक काम करते हैं, रुक जाओ गाइस, हम ना अपने जितने भी पोकेमोन्स है सारे पोकेमोन्स को एक्चुअली हम यहाँ पास रखने वाले, उससे क्या होगा गाइस, हम ना सारे पोकेमोन्स को एक ही से फाइट करवा देंगे, हम यही करने वाले हैं ना। हाँ यही करने वाले। एक सेकंड, मेरा पंची कहाँ आ गया? गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, मैंने पूरे के पूरे पोकेमोन्स यहाँ पे उतार दिया लिटरली ब्रो, ये आज मारने वाले हैं मेमोरी रेस्ट को। ओके गाइस, मैच स्टार्ट होने वाला है और मेमोरी रेस्ट को मारा जाने वाला है गाइस। ओके भाई फाइनली फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो फाइनली मेमोरी रेस्ट के साथ में फाइट होने वाली है। आजा भाई एक बार, आजा भाई लिटरली ब्रो, तू तो गया भाई, खत्म है भाई ये, इसको भाई इतना गंदा मारेंगे ना आज हमारे पोकेमोन्स। आओ ना यार, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, भाई किंग पाका है भाई यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं भाई कितने तगड़े तगड़े पोकेमोन है, बट ये लोग फाइट ही नहीं ले रहे भाई। अरे कलाम इधर आना, उसको मत छेड़ ब्रो। ओके भाई फाइनली हम लोग मेमोरी रेस्ट को मारने वाले हैं। ओके, अब होगा भाई असली फाइट, रुको गाइस एक बार बेस के अंदर आ जाने दो इसको। ओके भाई रेड भी साथ के साथ होनी थी हम पे, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग मार देंगे भाई। यहाँ पे कितनी हेल्थ हम लोगों ने उड़ा दी, खाना भी नहीं है क्या मेरे पास इनके लिए भाई, मैं खाना भी नहीं लेके आया इन लोगों के लिए लिटरली। ओके भाई फाइनली फाइट स्टार्ट हो चुका है। ओ कलाम भाई क्या हो रहा है, ये नहीं बचने वाला मेमोरेस्ट नहीं बचने वाला ब्रो, भाई कितनी गंदे तरीके से इसकी हेल्थ जा रही है। ओ भाई कितने मरे हैं भाई, एक मिनट रुको गाइस, क्या ही तो फाइट हो रही है इन लोगों की, भाई कोई जमा रहा है कोई जला रहा है भाई, खतरनाक वाली फाइट हो रही है भाई। ओ किंग पाका क्या कर रहा है इधर भाई, यहाँ पे फाइनली फाइट स्टार्ट हो चुकी है तगड़े वाली। ओ भाई मर गए क्या, अबे सो रहे हो तुम लोग, अबे जा ही लो, सोना थोड़ी तुम लोगों को, इधर आके लड़ना भाई, ये सो रहे हैं, लड़ो ना भाई, सो रहे हैं भाई, इस टाइप पे कौन सोता है भाई, इतनी तगड़ी फाइट हो रही है, ये लोग सो रहे हैं भाई। आ जाओ भाई, बेस बना के मारूंगा भाई मैं सबको। कलाम भाई उसको इधर लेके आना भाई, बेस में से क्यों उतार रहा है उसको अलग, भाई इसकी आंख में मारते गाइस,
ओके गाइस, भाई ये क्या क्या भाई, ये लोग सो रहे हैं, लिटरली तुम लोग सो रहे हो भाई, वो मार रहा है तुम लोगों को। मेरे को ये वाला छोड़ना पड़ेगा आई थिंक गाइस। भाई अब लड़ेंगे, अब लड़ेंगे, अब लड़ेंगे, अब लड़ो, अब लड़ो, बोल रहा था गधों को लड़ लो भाई। वो हमला कर रहा है, ये लोग सो रहे हैं भाई, कितने जाहिल पोकेमोन है मेरे पास, कल्हा मरने वाला है। भाई लड़ो ना यार, क्या कर रहे हो यार, मेरा दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। मारो उसको कलाम, उसके उसका बेस से बाहर मत लेके जाइए भाई, की बार बोल रहा हूँ तुझे, इधर रख उसको। भाई कौन कौन मरा है, नहीं मरा कोई अभी तक। ओके अब होगी फाइट, बेस में घुस गया भाई ये, अब मरेगा, मरेगा भाई, कितना गंदा डैमेज दे रहा है मेरे पोकेमॉन्स को। मार भाई, मार मारो, मारो 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 मारो, फोड़ डालो उसको, फोड़ डालो उसको, छोड़ो मत किसी लायक की, सलामी ने बहुत दुखी किया हम लोगों को। मारो भाई, मारो 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 भाई, आपकी बार तो तगड़ी वाली बॉल फेंकने वाले इन लोगों के ऊपर, ये वाली भाई, ये वाली गाइस, इसको ऐसा पकड़ेंगे ना, ऐसा पकड़ेंगे ना भाई इसको। भाई क्या फाइट चल रही है लिटरली गाइस, एकदम खतरनाक वाली फाइट चल रही है। ओ भाई मुझे तो निकल लेते भाई, मुझे क्यों मार रहा है। ओ भाई क्या मजा आ रहा है गाइस, सारे पोकेमोन मिलके एक अकेले मेमोरीज को मार रहे हैं भाई, कोई जमा रहा है, कोई जला रहा है, लिटरली भाई कितना मजा। ओ भाई क्या कर रहा है ये भाई, हमारा कोई पोकेमोन मरा तो नहीं है, नहीं मरा अभी तक, नहीं मरा। ओ भाई भेड़िया भी मार रहा है भाई, भाई इसकी एचपी कितनी मुश्किल से जा रही है भाई, अभी तक वो मेरे सारे पोकेमोन मिलके इसकी 2000 ही हेल्थ डाउन कर पाए हैं भाई। क्या भाई क्या फाइट चल रही है भाई, गाइस इसको उतारते मैदान में, ये मारेगा इसको, जा 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 मेरे शेर, मार ना भाई इसको, मार मार भाई, भागने मत देना इसको, भागने मत देना भाई। ओके ओके भाई खतरनाक भाई, 1500 एचपी बची है इसकी, मार ही देंगे आज तो ऑलमोस्ट सब मेमोरीज को, मार ही देंगे भाई, मार ही देंगे भाई, क्या ही तो कलाम के ऊपर अटैक कर रहा है वो भाई, खतरनाक वाला सीन चल रहा है भाई। भाई ओनली 1000 एचपी बची है मेमोरेस्ट की, 1000 एचपी बची है, मैं भाई 500 की एचपी में इसको पकड़ लूंगा। नहीं भाई अभी कोई फायदा नहीं है, ओ यार गलती से छूट गया भाई, आ जाए प्लीज यार, बहुत महंगी बॉल फेंकी है तुझ पे यार। लो भाई कौन मरने वाला है, ये मरने वाला है, मर गया भाई, मर गया भाई, हमारा एक पोकेमोन मर गया गाइस, उसको खाना नहीं दिया था मैंने भाई, भूखा मार दिया उसको बेचारे को। आ ना भाई आ ना, कहाँ भाग रहा है, आ ब्रो आ, आ जा आ जा आ जा भाई, आज तो कैप्चर करके ही रहूँगा इसको। ओके गाइस मैंने बहुत सारी बॉल बना रखी है ये वाली, बट आज इसको छोड़ेंगे नहीं भाई, मेरे सारे पोकेमोन सो रहे हैं, कितने जाहिल पोकेमोन है, मर जाओ रे कीड़े पड़े तुम लोगों को। भाई कैसे सो रहे हैं, देखिए ये कैसे सो रहा है भाई, उधर इतनी तगड़ी फाइट कर रहा हूँ भाई मैं, और ये सो रहा है इधर भाई, इसको शर्म देते, मेरे को दिन में पकड़ना था इसको। आगे आ जाओ भाई, मारो 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 मारो, आगे आगे अपने इलाके में आ गया, मारो 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 भाई, मारो 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 मारो, 2% चांस है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, ओके ओके ओके, कहाँ पे भाई, ओ भाई भाई मरने वाला है क्या। ओके गाइस आजा प्लीज, सबकी बार आ जाइए मेरे भाई, आ जाइए, 570 की हेल्थ है। अरे भाई इसको पकड़ना ही पकड़ेगा भाई, कैसे ना कैसे करके बस ये मर ना जाए। ओके मेरी भी सीढ़ तोड़ दिया इसने, ओ भाई खतरनाक वाली फाइट चल रही है, एक लास्ट चांस भाई अभी देखते हैं, आजा भाई प्लीज सबकी बार आ जाइए यार, नहीं आ रहा है भाई, मरेगा ये मेरे को लगता है, मरेगा ये भाई 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 भाई, मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, 200 की हेल्थ पे तो बॉल फेंकनी पड़ेगी, 200 की हेल्थ पे बॉल फेंकनी पड़ेगी इस पे। ओके गाइस 200 की हेल्थ पे मैक्सिमम बॉल फेंक सकते हैं इस पे। ओके देखते हैं, आप 3% चांस है गाइस आपकी बार आ जाए तो, प्लीज यार आ जाए, नहीं आ रहा भाई ये मुझे मारने के चक्कर में, अब रो ये आ जा भाई आ जा आ जा, 135, ओ ये देख कौन सी बॉल में पकड़ रहा है, इसमें थोड़ी पकड़ा जाएगा ब्रो ये, इसमें पकड़ा जाएगा ये कौन सी बॉल में पकड़ने का ट्राई कर रहा है कलाम, भाई ये काबू ही नहीं आ रहा, आ जा यार आ जा भाई भाई आ जा प्लीज 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 प्लीज, आ जा यार आ जा, 42 की हेल्थ बच्चे यार, आ जा भाई मर मत जाइए यार, मैं नहीं चाहता तुम मरे यार, आ जा 20 की हेल्थ है अब तो, आ जा यार प्लीज आपकी बार, अगर है एक भी, ओ भाई प्लीज एक की एचपी है, आ जा प्लीज ए भगवान प्लीज आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, ओ भाई मर गया यार, मर गया भाई, एक एचपी बची थी यार, एक एचपी बची थी भाई, क्या कुत्तों की तरह मारा भाई इन लोगों ने इसको भाई, अब सो जाओ अब सो जाओ अब सो जाओ मेरे चुन्ने मुन्नो, लाड लो भाई, हाथी को मार दिया हमने भाई, क्या खतरनाक वाला मूवमेंट बना था ब्रो, खतरनाक वाला भाई,
फाइनली हाथी को मार दिया था, बट मेरे पास क्या है खाने के लिए। अगर देखा जाए तो हमारे पोकेमोन सच में बहुत ही आलसी है भाई, इस मेमोरिस्ट को मारते ही सोने चले गए। बट यार लोगों का ड्रीम होता है मेमोरिस्ट मारने का, यार हम लोग सबको टिप्स एंड ट्रिक नहीं बता दिया क्या बहुत हैवी वाला। हाँ चलो गाइस मेमोरिस्ट यहाँ पर मर चुका है, तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैं चारों साइड से देख सकते हो। बट मेरे को मेमोरिस्ट मारना नहीं था भाई, ये लोग काम कर रहे हैं इधर बताओ, बैरिस्ट इसे पकड़ना था। चलो एक काम करते हैं काल, अब ना हम अपनी पब्लिक को दिखाते हैं एकदम हैवी वाला पोकेमोन जो आज तक कोई नहीं देखा हुआ, क्या बोलते हो पानी वाला। एक पोकेमोन मर चुका है ब्रो, अगर हमको जोरमन टाइड को पकड़ना है ना तो हम लोगों को ना इन सारे पोकेमोन की वो करना पड़ेगा, समझ रहा है ना तू, ऐसे नहीं इन सारे पोकेमोन्स में से थोड़े थोड़े तगड़े पोकेमोन पकड़ने पड़ेंगे तब जाके हमारा भाई वो वाला मरेगा, समझ रहा है ना तू। क्या नाम है? जोरमन टाइड। जोरमन टाइड यस। तो गाइस अभी हम लोग पकड़ने वाले जोरमन टाइड पोकेमोन को, बट उससे पहले हमें कुछ तैयारी करना पड़ेगा। तो गाइस गुड मॉर्निंग, एंड गाइस आज मेमोरिस्ट को मारने के बाद हमारा ये सेकंड डे है और आज हम लोग भाई कोई और पोकेमोन नहीं पकड़ेंगे, पहले तो हम लोगों को अपनी पोकी बॉल्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि गाइस तुम्हारे भाई के पास में जो बॉल्स है ना लिटरली इन बॉल्स में भाई वो मेमोरिस्ट आया ही नहीं और ग्रीन वाली भी नहीं आया। पिछली बार मैंने जो मेमोरिस्ट पकड़ा था ना, मतलब पिछले वाला जो मेरा वो था वर्ल्ड था उसमें गाइस मैंने मेमोरिस्ट को पकड़ लिया था, बट इस वाले में नहीं पकड़ा गया भाई, वो बॉस पोकेमोन था। सो भाई हम लोगों ने रेड वाली बॉल भी फेंक के देख ली बट नहीं पकड़ा गया। बट यार एक चीज नोटिस करो, उस पर भाई हमने रेड बॉल भी फेंकी थी, वो भी 200 से 300 के हेल्थ में, बट वो नहीं पकड़ा गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ गाइस हम लोग ना एक काम करते हैं, हम एनुबिस को पकड़ेंगे नहीं, हमारे पास पैंकिंग है और हमारे पास गाइस फीडिंग फार्म भी है, तो आज हम लोग ट्राई करते हैं बुशी को पकड़ के लाने का, एंड बुशी से और पैंकिंग से भाई हम लोग एनुबिस का इस दुनिया में स्वागत करेंगे, इस वर्ल्ड में स्वागत करेंगे, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग बनाने वाले हैं रेड बॉल, वो भी भाई मतलब रेड पोकी बॉल, क्योंकि भाई वो थोड़ी पावरफुल चाहिए पड़ेंगी ना हमको। तो अभी हम मैक्स में कितनी बना सकते हैं, अभी तो हम लोग चार ही बना सकते हैं, इनगोट है, प्लैटिनियम फ्रेगमेंट सब कुछ अपने पास है, एंड सीमेंट भी है भाई, देखते हैं भाई कितनी बनती है अपने पास में। अपने थोड़े बहुत पोकेमोन बुला देते हैं हेल्प के लिए, लाइक इसको बुला देते हैं, थोड़ी जल्दी बनवा देगा अपनी, ठीक है। तो दो मैं कलाम को देने वाला हूँ, दो मैं खुद रखने वाला हूँ, ऐसे करके डिवाइड करें। कलाम बनवाना आके ब्रो। आ रहे भाई, बस एक सेकंड। तो गाइस यहाँ पे अपना बन रहा है, आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोग ना लावा टाइप पोकेमोन पकड़ने चलते हैं, ठीक है। ओके सो गाइस अभी मेरे पास में 10 हो चुकी है गीगा स्पेयर, एंड हो चुकी है हाइपर स्पेयर, एंड मेगा स्पेयर हो चुकी है, वन ही है भाई, एक ही है मेरे पास, एंड हाइपर स्पेयर है भाई पूरी तीन, और ये भाई। चलो अभी अपन क्या करते हैं, अभी हम लोग जाएंगे ब्लोजाओ को पकड़ने के लिए, क्योंकि भाई ब्लोजाओ ही है जो मतलब उनको मार सकता है, लाइक जोरमन टाइड को मारने में जो कि सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा। तो मैं और कलाम दोनों साथ में जा रहे हैं, तो सफर आप लोगों सीधा वहीं पे दिखाते हैं, वहीं पे मिलते हैं आप लोगों सीधा। सो गाइस अभी हम लोग रास्ते से जा रहे थे, भाई हमको एक बॉस पोकेमोन देखने को मिला है, उसको मारने के लिए गाइस हम लोग फिर से हमें बेस बनाने वाले हैं, और गाइस आप मेरा साथ देने वाला है कलाम, और कलाम और मैं मिलके ना भाई लिटरली भाई उस पोकेमोन को आप छोड़ेंगे नहीं भाई, अब वो पोकेमोन हमारे हाथ में होगा, क्योंकि गाइस हम लोगों को पावरफुल बनना पड़ेगा तभी गाइस जाके हम लोग उन पोकेमोन्स को मार पाएंगे। तो अभी हम लोग बेस में यहाँ पे उतारने वाले इस पोकेमोन को, इसको एंड गाइस हमारे सारे पोकेमोन्स को उतारेंगे, लाइक इसको भी उतार देंगे, नाइट में भी अच्छा लड़ेगा, एंड फायर टाइप हो गया, बाकी ये वाले पोकेमोन भाई मैं देख रहा हूँ क्या भयानक पोकेमोन लेके आया हूँ, अब उसको अपने रेंज में लाया जाए क्या। ओके गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे के सारे पोकेमोन रेडी हो चुके हैं, बट हम लोग ना दिन निकाल के आएंगे भाई, फिर से बार बार सोते रहेंगे फिर सीन हो जाएगा क्रिएट, ठीक है। भाई तू अंदर आ जा भाई, नहीं तो किसको जा करके मार देगा पता नहीं भाई। भाई फाइनली हम लोग बेस पे आ चुके हैं, और बेस पे आने का रीजन ये था कि गाइस मैं इधर से थोड़े बहुत पोकेमोन और लेके जाने वाला हूँ, लाइक ये वाले पोकेमोन किंग पाका को लेके जाने वाला हूँ, एंड इसको लेके जाना हूँ, और तीन पोकेमोन है जो जिनको मैं लेके जाने वाला अभी। तो भाई लोग हम फिर से ट्रैवल करने वाले हैं वहीं पे, और यहाँ पे हम लोगों ने बेस बनाया था, तो जो बेस था हमारा कहाँ पे बना हुआ था, इधर बना हुआ था, तो हम लोग इधर ही जाएंगे अगेन। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग फिर से अपने पोकेमोन्स को उतारने वाले हैं मैदान में, लाइक इसको भी उतार देंगे यहाँ पे, और इसको भी उतार देंगे, एंड किंग पाका हो गया, और भाई सारे के सारे पोकेमोन्स हो चुके हैं, सब रेडी हो ना, आज तो दिन में बुला लिया तुम लोगों को, कल तो पूरी रात सो रहे थे। ओके गाइस अभी हम लोगों को उसको छेड़ के आ रहा है थोड़ा सा, और ये बंदा मुझे मारने लगेगा ना फिर इसको भाई हम लोग गंदा वाला मारने वाले हैं। ओके स्टार्ट भाई फाइट। ओके अब हम लोग इसको इधर बुला लेते हैं, गो 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 गो, पहला एक गोली तो मैं मारूंगा भाई सर पे, आजा 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 ब्रो। ओके ओके गाइस भाई कलाम की हेल्थ उड़ा दी इसने कितनी सारी, ओ भाई मेरे को नहीं गया, और भाई क्या थंडर इसका भाई, मार भाई मैं निकल रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे धोखा कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ में यार, मारो उसको, अब मजा आएगा भाई फाइट देखने में, मैं ऊपर जाता हूँ। जमा दिया भाई इसको, जमा दिया भाई, ये किधर है चौप पड़ रही है इसको, कहाँ से भागेगा भाई ये भाई, कहाँ से भागेगा तू भाई, चारों तरफ से पड़ रही है इसको, तो भाई बेस से बाहर ले जाके मार रहे हैं लोग भाई, खतरनाक वाला सीन हो रखा भाई, 1700 हेल्थ रह चुकी है भाई इसकी, और अभी हम लोग इसको जल्दी जल्दी मार देंगे भाई, आसमान में जमा दिया इसको भाई, कितना मजा आ रहा है सुबह सुबह इसके, आज एल लग गया है सुबह सुबह इसके,
भाई क्या इलेक्ट्रिक टाइप अटैक कर रहा है मेरे पोकेमॉन्स पे। मेरे पोकेमॉन फिर से वापस चलते हुए गए हैं और फिर जा रहे हैं। भाई लोगों ने छोड़ दिया था इसको, फिर से पंगे लेने लग गया उनके साथ। ओके गाइस ये मेरे साथ पंगे लेने के चक्कर में है। ओ भाई मेरे को मारा इसने, भाई मारा इसने मुझे। भाई लोग मुझे बोलते हैं भाई तू इजी करके खेलता है। भाई इजी कैसे बोल सकते हैं भाई, इस बंदे को मारने में इतने दम लग रहा है। कलाम के ऊपर भाई यहाँ पे अटैक होने वाला है। कलाम भाई गया, भाई इसकी शील्ड ने बचा लिया इसको। ओके भाई इसने फिर से मेरे पे हमला किया। मारो यार, जाओ आक्रमण आक्रमण, उड़ा दो इसको भाई। ओके भाई ये मेरे को मारने के चक्कर में भाई बंदा पूरा। मेरे पास तीर है क्या गाइस? तीर भी तो नहीं है भाई। क्या ही तो फाइट चल रही है भाई। भाई ज्यादा एचपी भी नहीं बची इस बंदे में, ऑलमोस्ट 1200 एचपी बची है और मैंने इनहेंस कर लिया अपनी पावर। भाई कैसे लग रखे हैं मारने को। मेरे को मेन पोकेमॉन तो दिख ही नहीं रहा जो पीट रहा है बेचारा। भाई तो भी हमारी फैमिली में शामिल होने वाला है थोड़ी देर में। ओके तो मेरा भी प्लान ये है कि मैं ना अपने उधर जाके ना इसके ना इनको सबको हटा दूंगा भाई। कभी ये कुत्ता बना दे भाई उसको पूरा का पूरा, उनको फाइट करने दो भाई। जैसे इसकी हेल्थ 500 पे आएगी वैसे भाई मैं इसको ना सब पोकेमॉन को वापस बुला लूंगा। ओके गाइस 500 पे आते ही इसकी पूरी की पूरी जितने भी मेरे टीममेट्स हैं ना सबको भाई अपने पोकी बॉल्स में डाल दूंगा। भाई इसकी अभी हेल्थ थोड़ी बची हुई है बट जैसे इसकी हेल्थ होगी ना 400 की समथिंग तब भाई मैं डालूंगा, क्योंकि भाई 400 में भी बंदा पावरफुल है। ओके गाइस सबको डाल दे, वापस टाइम आ चुका है। थोड़े बहुत को नहीं डालूंगा अभी भाई, सबको डाल देते भाई सबको 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 सब चलो सब चलो सब चलो। ओके गाइस अब कलाम कलाम फाइट कर ब्रो। ओके भाई ये मेरे को मारने के लिए फुल तैयारी में है भाई, ये मेरे को पूरा मेरे सिर हो चुका है भाई। आजा ब्रो आजा, आपकी बार आ जाइए भाई कैसे करके। अगर नहीं आया ना मेरे पास फिर रेड वाली है। ओके ओके आ गया भाई, तुम्हारे भाई ने एक पोकेमॉन को पकड़ लिया भाई। फाइनली तुम्हारे भाई के पास में एक पोकेमॉन आ चुका है। कलाम कैसा लग रहा है भाई लड़ाई करके? भाई फाइनली पकड़ा गया काल भाई, पकड़ लिया भाई पकड़ लिया भाई। अब हम ऐसे करते करते ना बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे पता है। अब हम इसको बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ठीक है। इस बेस को, हाँ इस बेस को डिस्ट्रॉय कर ही दो भाई। अरे पता है सबसे ज्यादा दुखी क्या हो गया भाई, ये पोकेमॉन भाई हमारे पत्थर तोड़ देते हैं और वही बार बार उठ जाता है। तो चलो गाइस अभी हम लोग इस बेस को ना डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो अभी हम लोग इसको बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं भाई। अभी देखना कितना तगड़ा वो भाई, दिखाई नहीं पाया लो भाई कितना तगड़ा वो आता है इधर ब्लास्ट ठीक है। तो अभी हम लोग इधर से निकलते हैं एंड अभी हम लोग जाएंगे सीधा लावा टाइप पोकेमॉन पकड़ने के लिए यहाँ से। तो ये भाई अपने हाथ में आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं भाई ये 31 लेवल का है और ये अपने पास में हो चुका है, अपनी टीम में आ चुका है ये बंदा। एंड हम लोग जा रहे हैं फायर टाइप पोकेमॉन पकड़ने के लिए अब। तो मैं और कलाम दोनों जाएंगे। चल कलाम भाई रेडी हो जा, हम लोग इधर से निकलते हैं अब फायर टाइप पोकेमॉन पकड़ने के लिए। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने एक पोकेमॉन को पकड़ लिया है इलेक्ट्रिक टाइप को और भाई यहाँ पे हम लोगों ने बेस लगा दिया था पाल बॉक्स, जिससे भाई हमारे सारे पोकेमॉन्स ने मिलकर उस एक अकेले पोकेमॉन को मार दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं बुशी को मारने। जस्ट सामने बुशी का वो है भाई, मतलब जहाँ पे बुशी रहता है बुशी का घर है, तो बुशी को मारेंगे। और हमारे पास में गाइस पैल किंग है भाई, पैल किंग और बुशी दो के भाई अभी समझ रहे हो दोनों के मिक्सचर से एनुबिस का जन्म होगा भाई। एनुबिस चाहिए हमको, एनुबिस भाई बिना पकड़े हम लोग उसको भाई समझ रहे हो ला रहे अपनी टीम में। और भाई उसका भाई लेवल कितना, मतलब उसका लेवल आराम आराम से करके हम लोग पूरा बढ़ा देंगे और उसके अंदर भाई नेक्स्ट लेवल पावर्स आ जाएंगे। और फिर भाई उससे भाई जब हम लोग बंदों को मारेंगे नेक्स्ट लेवल भाई बंदे को मारेगा वो। और भाई मेरे को पाल स्पेयर मिल चुके हैं सामने, इसको उठा देते हैं भाई काम आएगी। ओके गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा इसको पकड़ने के लिए बुशी को। तो चलो गाइस हम लोग आ चुके हैं बुशी को पकड़ने के लिए। भाई बुशी तो मेरे पे पूरा अटैक करने के मूड में भाई, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम चले गए सीधे। आजा आजा कलाम भाई। ओके भाई यहाँ पे मेरे वाला भाई 11 का डैमेज दे रहा है। कलाम आ रहा जल्दी ब्रो, बुशी को पकड़ना है ब्रो। ओके गाइस तगड़े वाला डैमेज दे रहा भाई, ये सच्ची में डैमेज बढ़िया वाला दे रहा है भाई। इसको 27 का डैमेज पड़ा है भाई। आज तो कुछ भी हो जाए भाई, हम दोबारा से सबको पकड़ के एंड दोबारा से भाई ब्रीडिंग करवाएंगे भाई। मैं थोड़ा घर पे हो तो जैसा हम बोल नहीं पाते सब चीजें भाई। क्या ही तो डैमेज पड़ रहा भाई, लिटरली ये कितना डैमेज दे रहा है 31 लेवल का भाई, 31 का डैमेज दे रहा भाई ये। यूनिवोल्ट यूनिवोल्ट भाई, यूनिकॉर्न की जगह है यूनिवोल्ट नाम कर दिया इसका भाई, नामकरण ही चेंज कर दिया। अब भाई इसके ऊपर पूरे तगड़े तगड़े डैमेज होंगे। और यहाँ पे भाई मैंने फिर से भाई इसकी 1500 की हेल्थ कर दी हम लोगों ने इतना जल्दी, 1400 की हेल्थ है भाई अभी इसकी। भाई क्या बंदे ने 94 का डैमेज मारा भाई अपने यूनिकॉर्न को, यूनिवोल्ट को, यूनिवोल्ट भाई। वोल्ट का मतलब होता है भाई आप लोगों को पता है बिजली में यूज करते हैं हम लोग, तो इसलिए भाई वोल्ट वोल्ट लगा रखा है नाम के पीछे आई थिंक, इस टाइप का पोकेमॉन बना रखा भाई। क्या ही तो फाइट हो रही है भाई लोगों की। ओके गाइस ओके भाई फाइनली तगड़ा वाला भाई, देखते हैं भाई कब तक मरता है ये। ओके गाइस तगड़ी फाइट चल रही है भाई, मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ क्या? उसी मेरे को मार ही नहीं पाएगा भाई इस जगह पे तो।
गाइस तगड़ी फाइट चल रही है भाई, मैं तो इधर इधर छुपा रहूंगा, मैं पूछी उधर से मारेगा, मैं इधर आ जाऊंगा, इधर मारेगा उधर चला जाऊंगा। भाई भाई कहाँ पे है, कहाँ पे नीचे ही है भाई, भाई कट लगा रहा है मेरे वाले पोकेमोन में। ओके गाइस हम लोग इधर से जाएंगे, इधर 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 खड़े हो भाई, लड़ते रहो शाबाश। ओ आ गया भाई एक जाहिद भाई मेरा पोकेमोन पकड़ने के लिए भाई। आजा भाई कलाम आ गया था भाई पकड़ने के लिए भाई, फाइनली भूसी आ जाएगा हमारे इसमें, आई थिंक आ गया। ओके ओके गाइस आ चुका भूसी, और कलाम ट्राई कर रहा था भाई इधर आके इसको चुराने का, और भूसी भी हमारे फ्रेंड उसमें हो चुका है, और अभी हम लोग ट्राई करते हैं भाई कैसे हम लोग इनका ब्रीड करवा सकते हैं। बट केक कैसे बनेगा, अब केक बनाना में थोड़ा मुश्किल होगा, हमको केक बनाना पड़ेगा, केक कैसे बनेगा क्योंकि हमारा फर्स्ट ऐसा कुछ होगा ट्राई करने का, मतलब फर्स्ट हमारा ब्रीड होगा ये, मतलब करवाएंगे हम पैंकिंग और भूसी के बीच में, तो जो भी होगा देखते हैं भाई। अभी हमको एनुबिस चाहिए, एनुबिस को इस दुनिया में लाने के लिए ना हम जरूर से ट्राई करेंगे भाई केक वेक बनाने का, तो अभी हमको पता नहीं केक कैसे बनता है, तो हम लोग केक बनाना सीखते हैं पहले एंड उसके बाद आते हैं भाई। तो गाइस अभी मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह में गाइस हम ब्रीड करवाएंगे भूसी का और पैंकिंग का, ठीक है। बाकी हम लोगों ने एक मेमोरिस्ट पकड़ लिया भाई, तुम्हारे भाई ने फाइनली मेमोरिस्ट आ चुका है अपने ग्रुप में, 35 लेवल का है, और अब ये सो गया भाई आते, बेचारा भूखा था ना काफी देर से लड़ रहा था। तो गाइस फाइनली हम लोग सो चुके हैं, अब कल वाले दिन मिलते हैं भाई, मतलब नेक्स्ट डे, अब हम लोग भाई भूसी का और भाई आज हम लोग पैंकिंग का भाई ब्रीड करवा के एनुबिस को पैदा करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भाई हमको यहाँ पे केक लगेगा, तो हम लोग केक चाहिए पड़ेगा, तो केक कैसे बनेगा। सो गाइस केक बनाने के लिए हमको चाहिए भाई फ्लावर एंड भाई मिल्क चाहिए, 5 फ्लावर चाहिए एंड 7 मिल्क चाहिए, तो अभी हमको ये जो दोनों चीजें इकट्ठी करके लानी है एंड फिर हम लोग केक बना के फाइनली अनुबिस को इस दुनिया में ला सकते हैं भाई, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। तो भाई देखते हैं क्या रहता है, बाकी हम लोग अभी तक अनुबिस के इलाके में नहीं पहुंचे हैं, बट हम लोग उसके पहुंचने से पहले एक एनुबिस को तैयार कर लेंगे उस एनुबिस से लड़वाने के लिए। सो गाइस अभी हम लोगों को फ्लावर बनाना है, फ्लावर बनाने के लिए हम लोगों को गाइस इसकी जरूरत पड़ेगी वीट की, तो यहाँ पे हम लोग इधर ना एक पोकेमोन छोड़ देते हैं जो कि भाई यहाँ पे वीट बनाने में काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वीट को बनाते हैं, आई थिंक मेरे को ये पोकेमोन लगेगा इसमें बनाने के लिए। तो गाइस यहाँ पे वीट बनाने में काम आएगा, कलाम आना इसमें थोड़ी हेल्प कर भाई बनवाने में। ओके गाइस हम लोगों ने पानी की पूरी बारिश स्टार्ट कर दिया इधर भाई, जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे वीट उगाएंगे ताकि हमारा केक रेडी हो सके भाई, केक रेडी करना है यार, केक रेडी हो जाए ना एक बार भाई मजा आएगा भाई कसम से, मैं काफी दिन से सोचता था एनुबिस को पकड़ूं, बाकी मैंने पकड़ तो लिया था, अब इसकी हमको ग्रोथ करनी है, ग्रोथ करने के लिए हम लोगों को किसकी चीज की जरूरत है भाई। ओके गाइस यहाँ पे फाइनली हमारा ये सब काम हो चुका है एंड गाइस यहाँ पे वीट उगने में टाइम ले रही है, तो देखते हैं कब तक ये उगती है एंड जैसे ये उगेगी गाइस हम लोग वहाँ पे भाई इसको सीधा मशीन में क्रशर मशीन में डालेंगे एंड भाई फ्लावर यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। 2000 years later. So guys, कोई मुझे बताओ भाई इस केक को हम जल्दी जल्दी कैसे बना सकते हैं, लिटरली भाई मैंने इतने ज्यादा काम कर लिए ना भाई, बट ये केक बनने का नाम नहीं ले रहा भाई, पूरी रात निकल चुकी है, अभी पूरा पूरा दिन निकलने वाला है भाई, बट ये केक मेरे से अब बन रहा है भाई, पोकेमोन भी सो के उठ चुके हैं काम करने के लिए भाई, बट ये भाई एक केक बनाने के लिए मेरी पूरी रात वेस्ट हो चुकी है। कोई मेरे को जल्दी बताओ यार कैसे इसको ज्यादा जल्दी बना सकते हैं हम लोग, भाई हमको और भी ज्यादा पोकेमोन की वीड करवानी पड़ेगी भाई, तो रात को 4:23 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब सुबह के 5 बजने वाले हैं। फाइनली अपना केक बन चुका है, बन गया। ओके गाइस फाइनली केक बन चुका है और अभी हम लोग इस केक को इधर डाल देते हैं ताकि 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 हमको मिल सके भाई हमको केक कहाँ पे है, ये रहा। ओके गाइस अपने पास 20 मिनट है, 20 मिनट में हमको दोनों पोकेमोन इधर रखने पड़ेंगे, पहले पैंकिंग को उठा के लेके आते हैं, पैंकिंग फीमेल है क्या मेल है, फीमेल है गाइस ये फीमेल है। ओके इसको उठा लेते हैं और इसको गाइस हम लोग लेके जाते हैं सीधा ब्रीड फार्म में, इधर ही रहना तू, इधर से हिल मत जाइयो। भूसी कहाँ पे, भूसी वो रहा, भूसी भाई भूसी पता नहीं क्या कर रहा है, भूसी ब्रो आ जा। सो गाइस अभी भूसी को लेके चलते हैं। ओके ओके गाइस कितना एक्साइटिंग है यार, काफी दिनों से सोच रहा था गाइस एनुबिस अपने हाथ में होगा। चलो गाइस तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने इनको छोड़ दिया इधर और यहाँ पे भाई यहाँ पे लोग ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे, पता नहीं हमको कितनी देर में अंडा देंगे ये लोग, थोड़ी देर में दे ही देंगे भाई, देखते हैं भाई क्या रहता है सीन। बाकी मैंने इधर ये भी छोड़ दिया केक भाई, जल्दी करना है यार जो भी करना है, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ पे फाइनली हम लोगों को बनाना है भाई एक इंक्यूबेट करने के लिए भाई, एक एग इंक्यूबेटर, तो यहाँ पे हम लोग वो भी भाई हम लोग उसने इसके पास में बनाएंगे, ज्यादा दूर नहीं बनाएंगे ताकि बाहर ही बनता रहे भाई इनका। कलाम आना इधर इंक्यूबेटर बनवा भाई, इधर गाइस यहाँ पे हम लोग इंक्यूबेट करेंगे एग को, कैसे देखूं मेरे समझ नहीं आ रहा है, शर्म भी आ रहा है, टाइम बनवाना है एग इंक्यूबेटर करने के लिए हम लोग एग इंक्यूबेटर बना रहे हैं और ताकि हम लोग भाई यहाँ पे इसमें एग रख सके, बस अभी एग का वेट है कब मिलेगा भाई। चाइना सोर की एग रखूंगा, ये रख दिया मैंने, अरे ये काम नहीं किया, तो भाई अभी थोड़ी देर में आने ही वाला है भाई, ये देखो क्या हो रहा है भाई, तो पता नहीं भाई कौन से वाला पोकेमोन आने वाला है।
जो भी है भाई, बस एनुबिस आ जाए भाई, एनुबिस आ जाए भाई। तुम लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे कि भाई बनाओ बनाओ बनाओ, तब जाके भाई तुम्हारा भाई आज बना रहा है इसको, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आए थे, मुझे तो एक्चुअली पता ही नहीं था कि एनुबिस का ऐसे भी आगमन हो सकता है गेम के अंदर, बट तुम लोगों के कमेंट, एक बंदा कमेंट करता तो मैं नहीं मानता, मल्टीपल सब लोगों ने कमेंट किए थे, तो भाई अभी देखते हैं। बाकी मेरे पास अभी एक ही हाइब्रिड फॉर्म है, तो इस साइड में भी हम लोग इसको बना देंगे, पूरा पूरा क्लियर कर देंगे भाई, पूरा पूरा मस्त बेस बनाएंगे अपना। फिलहाल में तो अभी छोटा बेस है, जब बड़ा हो जाएगा ना तब देखना होगा क्या ही तो बनेगा। ओके गाइस, काफी देर वेट करने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूं भाई, जस्ट होने ही वाला है भाई। एक दो और तीन, तू अंदर आ जा भाई, तीन भाई कौन सा है, आ जा रहा यार जल्दी जल्दी भाई, रहा नहीं जा रहा यार। एक दो तीन पांच छह सात आ गया भाई, कितना बढ़ाया गया ये भाई, अभी ये अंडा आया भाई। अरे भाई मैं सोच रहा था सीधे बच्चा आएगा यार, भाई फोड़ो अंडा फोड़ो। सो गाइस, क्या इसमें से एनुबिस निकला, आप लोग बताना भाई इसमें से एनुबिस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जल्दी। तो इस वीडियो पे लाइक कर दो जितने जल्दी हो सके, एंड अगर इस वीडियो पे आते 10,000 लाइक तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द लेकर आएंगे।